Starting question number 9 of exercise 4.3. This question is important. This belong to time. आपके पास work and time से related question है ये. Two water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. जो आपके पास tap है, जो किसी आपके पास tap है. वाटर टैंक स्टार्ट किए जाते हैं, वो किसी टैंक को 9 and 3/8 hours में कंप्लीट करते हैं, तो ये बनेगा आपके पास 75/8 hours. यानी हमने टू वाटर टैंक को एकदम ओपन किया और किसी टैंक को उन्होंने 75/8 hours में कंप्लीट कर दिया, फिल कर दिया है, यानी इसको वाटर से कंप्लीट कर चुके हैं. तो आपके पास ये जो वर्क कंप्लीटेड बाई टू टैप, आपके पास ये है टोटल टैंक. The tap of the larger diameter taken 10 hours less than the smaller tap. जो larger tap है, वो smaller tap से 10 hours का time कम लेता है. तो जो बड़े वाला जो tap है, उसके पास जो time है वो 10 hours less है, और जो आपके पास smaller है, उसके पास 10 hours ज़्यादा है. तो इसकी यही main point है question का. The tap of the larger diameter, जो बड़े वाला जो tap के पास tap है, take 10 hours less than smaller tap. तो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू x आवर्स, टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज इक्वल टू x माइनस 10 आवर्स. आपके पास टू वाटर टैप है इस क्वेश्चन के अंदर. आई एम गिविंग एग्जांपल, मान लिया जाए कोई आदमी किसी वर्क को 7 डेज में कंप्लीट करता है, तो उसका 1 डे का जो वर्क बनेगा 1/7. और यदि हमारे पास 1 डे का वर्क हो, उसका रेसिप्रोकल ले लें, यदि हमसे कोई कहे कि एक आदमी के एक पर्सन जो है किसी काम को 10 डे में कंप्लीट, जो उसका 1 डे का जो वर्क है 1/10 है, तो वो टाइम को कंप्लीट करेगा वर्क को 10 डेज में. यानी 1 डे के वर्क का रेसिप्रोकल लें तो 1 टाइम जो 1 डे का वर्क का जो रेसिप्रोकल होगा टाइम टेकन बाय आ जाता है कंप्लीट टाइम. और यदि कंप्लीट टाइम का रेसिप्रोकल ले लोगे तो 1 डे का वर्क हमें पता चल जाता है. तो जो टाइम आपके पास है स्मॉलर टाइप का वो एक्स है, लार्जर टाइप का जो टाइम बनेगा इससे 10 आवर्स कम, x माइनस 10 आवर्स. अब हमें 1 आवर्स का वर्क चाहिए, जो स्मॉलर टैप है वो टाइम काम को कंप्लीट करता है x आवर में. तो टाइम आपके पास वर्क ऑफ स्मॉलर टैप इन 1 आवर्स, जो 1 आवर्स का जो वर्क है वो बनेगा 1/x. इसी तरीके से जो लार्जर टैप है उसका 1 आवर्स का जो वर्क होगा 1/x-10, यानी इस टाइम का आपने रेसिप्रोकल लेना है, उसका रेसिप्रोकल बनेगा 1/x, इसका रेसिप्रोकल बनेगा 1/x-10. दोनों वाटर टैप को एकदम ओपन किया गया है, तो इसका 1 आवर्स का वर्क प्लस इसका 1 आवर्स का वर्क, ये हमारे पास 1 आवर्स का वर्क है टू टैप्स का अकॉर्डिंग लेट. हमने पहले क्वेश्चन में लेट किया कि जो आपके पास स्मॉलर टैप है वो टाइम लेता है एक्स, उसका 1 डे का 1 आवर्स का वर्क बनेगा 1/x, जो लार्जर है उसका बनेगा 1/x-10. दोनों को आपने ऐड किया तो इन दोनों टैप का 1 आवर्स का वर्क बन गया आपके पास ये. अब गिवन जो क्वेश्चन में गिवन है, टोटल टाइम आपके पास गिवन है 75/8 hours, वो काम के कंप्लीट होने का टाइम है. वहां भी हमें 1 आवर्स का वर्क चाहिए, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल यदि हम ले लेंगे वो 1 आवर्स का वर्क बनेगा. तो 1 आवर्स का जो उसका रेसिप्रोकल बनेगा 8/75. दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैं इसके लिए छोटा सा एग्जांपल देता हूं. यदि कोई पर्सन किसी काम को 7 डे में कंप्लीट करता है तो उसका 1 डे का वर्क बनेगा 1/7, प्लस कोई करता है 10 डे में उसका 1 डे का वर्क बनेगा 1/10. इन दोनों के वर्क को यदि ऐड कराओगे तो इन दोनों का जो कंप्लीट बनेगा 1 डे का वर्क बनेगा. और कोई कहे कि दोनों मिलकर किसी काम को 5 डे में कंप्लीट करते हैं तो उनका 5 डे में काम कंप्लीट हो गया, तो इकट्ठा जो वर्क है वो आपका 5 डेज में कंप्लीट हुआ है, तो इन दोनों पर्सन का 1 डे का जो वर्क बनेगा वो 1/5 बनेगा. तो ये पॉइंट मेन है, दोनों के 1 आवर्स के वर्क आपने ऐड किए इज इक्वल टू टोटल टाइम का रेसिप्रोकल लोगे तो 1 आवर्स का वर्क बनेगा. अब क्वेश्चन सिंपल है, टेकिंग एलसीएम, ओपन द ब्रैकेट, you will get 8x² - 230x + 750 = 0. It is a quadratic equation. Dividing by 2, you will get 4x² - 115x + 375 = 0.
sum is equal to this, product is equal to this, taking pairs, you will get minus 100 minus 15, sum कराओगे minus 115, product कराओगे 1500 बनेगा उसका, तो taking pairs, find the value of x, you will get x is equal to 25, x is equal to 15 by 4, not possible, fraction is not possible, so x is equal to 25. Time taken by smaller tap is equal to 25 hours. Time taken by larger tap, 25 minus 10, it is 15 hours. This question is complete. So, question number 11 of exercise 4.3. Sum of the areas of two square is 468 square meter. यहाँ पे two square हैं, एक larger square होगा, एक smaller square होगा. Side of the larger square taking x meter. Left side of the smaller scale is equal to y meter. Area से related point है, area of larger scale will be x square. Area of smaller scale will be y square. Area of square का जो formula होता है, side multiply side. One की side है x, तो x multiply x, x square. Second की जो side है, वो y है, y multiply y, it becomes y square. तो area of the first scale is this, second of this. इट इज जो आपके पास ये जो स्केल है वो लार्जर स्केल है और ये स्मॉलर स्केल है. तो ए सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्केल, तो फर्स्ट का स्केल का जो एरिया वो ये है, सेकंड का ये है, एडिंग दिस यू विल गेट 468. वन इक्वेशन इज कंप्लीट. इन सेकंड डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 24. तो हमें बड़े स्केल के पेरीमीटर में से माइनस करना होगा पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्केल. लार्जेस्ट स्केल ऑफ की साइड है x, इसका पेरीमीटर बनेगा 4 मल्टीप्लाई साइड. 4 को साइड से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट पेरीमीटर. सेम वे यू विल गेट पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई y, 4 y मीटर. तो डिफरेंस बिटवीन दिस पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट स्केल माइनस डिफरेंस आपके पास स्केल पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्केल, यू विल गेट 4y. तो 4x माइनस 4y लार्जर स्केल के पेरीमीटर में से माइनस करना होगा पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर स्केल, यू विल गेट डिवाइडिंग बाय 4, x माइनस y इज इक्वल टू 6. आई एम गेटिंग वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 6 प्लस y, चेंजिंग द साइड, x की वैल्यू ये है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 एंड 2, x की वैल्यू पुट करनी है 6 प्लस y स्केल इज इक्वल टू दिस. ओपन द फार्मूला a प्लस b होल स्केल, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी प्लस वाई स्केयर, चेंजिंग द साइड ऑफ दिस यू विल गेट इज इक्वल टू 0. वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2 वाई स्केयर प्लस 12 वाई, ये प्लस के 36 माइनस के दिस यू विल गेट माइनस 432 इज इक्वल टू 0. डिवाइडिंग बाय 2, वाई स्केयर प्लस 6 वाई माइनस 216 इज इक्वल टू 0. टेकिंग पेयर प्लस 18 वाई माइनस 12 वाई, you will get 6y plus k, product करोगे तो आपके पास 216. Taking y common, you will get y plus 6, 18, minus 12, taking out, you will get y plus 18. Y plus 18 is common, y minus 12, you will get second bracket is equal to 0. Putting is equal to 0, you will get y is equal to minus 18, y is equal to 12. It is not, this not possible, minus 18 not possible, so y is equal to 12. Value of y is, putting value the value of y in number 2, 6 plus 12 you will get 18. Side of the larger square is equal to 18 meter, x key value. Side of the smaller square you will get y 12 meter. This question is complete. Example number 17. इस question के अंदर आपके पास एक circular field है. Circle के type का आपके पास कोई field है और उसकी जो बॉन्ड उसमें एक डायमीटर है, डायमीटर आपके पास ए बी है, जो लेंथ ऑफ द डायमीटर आपके पास गिवन है 13 मीटर. और इस क्वेश्चन के अंदर टू गेट्स हैं, वन गेट जो है वो ए पॉइंट पे है, सेकंड गेट जो बी पॉइंट पे है. इसके बाद इस सर्कुलर पार्क के किसी पॉइंट के ऊपर एक पोल है, तो हमने पोल की जो पोजिशन वो ली है सी पॉइंट ली है. सी इज द पोजिशन ऑफ द पोल, AB is the diameter of the circular field.
जो सी है आपके पास वो पोल है और ए बी जो है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल है। तो उसमें कंडीशन गिवन है, ये जो पोल है इस पोल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए और बी, ए और बी से जो डिस्टेंस बनेगा उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर है। तो हमारे पास गिवन मेन पॉइंट डिस्टेंस ऑफ पोल सी फ्रॉम ए एंड बी, इन टू पॉइंटों से इसका जो डिस्टेंस है वो इनके बीच का जो गैप है, इसे जो बी सी और ए सी का जो गैप है वो 7 मीटर का है। तो ये भी आपका 7 मीटर बड़ा हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई वन एक बड़ा है छोटा इनमें से। आई एम टेकिंग बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर, देन ए सी इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 मीटर। तो इसमें x में से 7 माइनस कराओगे तो आपके पास BC आ जाएगा AC, क्योंकि दोनों के बीच का जो गैप है वो 7 रखना हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस आपका जो पोल से जो डिस्टेंस है AC और BC इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो 7 मीटर है। AB इज इक्वल टू 13 मीटर, डायमीटर इज गिवन 13 मीटर। एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, डायमीटर मेक्स 90 डिग्री एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, इट इज मेन पॉइंट। जो डायमीटर होता है सर्कल के ऊपर जितने भी एंगल बनाते हैं सारे 90 के होते हैं। सो एंगल इज सी, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो एंगल आपके पास सी है वो 90 डिग्री का होगा। ये राइट एंगल बनेगी आपके पास ए बी सी, ये राइट एंगल, इन राइट एंगल ए बी सी फार्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। पुटिंग दी वैल्यूज, एक वैल्यू x है, सेकंड आपके पास x माइनस 7, हाइपोटेन्यूज आपका 13, 13 का जो स्क्वायर बनेगा आपके पास 169, इसका स्क्वायर बनेगा आपका x का स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, फार्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वैल्यू ऑफ b 7, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 14x, चेंजिंग द साइड माइनस 169 इज इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाय 2 यू विल गेट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंडिंग द पेयर माइनस 12x प्लस 5x, सम इज माइनस 7, प्रोडक्ट इज माइनस 60, टेकिंग x कॉमन प्लस 5 कॉमन यू विल गेट 2 ब्रैक्स, कॉमन x माइनस 12 यू विल गेट x प्लस 5, सेकंड ब्रैक पुटिंग इज इक्वल टू 0, पुटिंग इज इक्वल टू 0 यू विल गेट x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस 5 नॉट पॉसिबल, सो x इज इक्वल टू 12। AC आपका 5 मीटर, जो BC है वो 12 मीटर, पुट इन द वैल्यू। तो डिस्टेंस ऑफ P जो पोल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम टू गेट्स आर 5 मीटर एंड 12 मीटर। इस पॉइंट C का जो डिस्टेंस है वो AC और BC है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दोनों डिस्टेंस एक 5 और एक 12 मीटर है। डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम टू गेट्स इज 5 एंड 12।